Hi you all, I hope you all are doing well. To all those who doesn't know me, my name is Bhavya and I'm a cabin crew from last 3 years. Welcome back to my YouTube channel. इतने टाइम बाद मैं कोई बड़ी वीडियो बना रही हूँ. मैंने इतने टाइम से बस शॉर्ट्स ही अपलोड करके डाली जा रही थी. एक रीजन ये भी है कि शॉर्ट्स को ना एडिट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी एडिट करके वो मैं अपलोड कर देती हूँ. एक रीजन ये भी है कि आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, मतलब पिछले कुछ टाइम से ना मुझे ऐसा लग रहा है बस हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, मेडिसिन इंजेक्शन बस यही सब चल रहा था. बट आज मैं जा रही थी अपना स्किन केयर करने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ होम रेमेडी जो बहुत ही इजी है एंड दैट विल गिव यू अ ग्लो ऑल्सो. लेट जस्ट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हमें जो जो सामान चाहिए मैं आपको वो दिखाती हूँ. तो यहाँ पे मैंने ज्यादा नहीं थोड़ा सा बेसन ले लिया है, बहुत थोड़ा सा क्योंकि मुझे बस फेस पे लगाना है. इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा और डाल देते हैं, बहुत कम हो गया, हाँ इतना काफ़ी है. उसके बाद यहाँ पे मैंने ना हाफ भी नहीं, मैंने हाफ से भी बहुत कम लेमन लिया है, छोटा सा बिल्कुल पीस, क्योंकि अगर आपको फेस पे टैनिंग भी है तो ये वो भी रिमूव करेगा एंड इज वेरी गुड. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया है एंड आई एम गोइंग टू ऐड हनी ऑल्सो, वो भी मैं बहुत थोड़ा सा ऐड करने वाली हूँ. बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे. द पेस्ट इज रेडी, आपको दिख रहा है. इसमें ना आपको आधा चम्मच दही भी ऐड करना है, मेरे पास अभी दही नहीं था तो मैंने इसलिए इसमें पानी डाल के वैसे मिक्स कर लिया था और दही ऐड नहीं किया है. मेरा फेस एकदम क्लीन है, हाथ भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है. नाउ आई विल अप्लाई ऑन माई फेस. अच्छे से लगाने आपको ताकि आपके आंखों के अंदर ना चला जाए. आप नहाने से पहले ना अपने हाथों पे भी लगा सकते हो, हाथों पे लगाने, हाथों पे क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं मतलब क्या, ठीक है. तो मैं कह रही थी आप नहाने के टाइम ना, नहाने से पहले आप क्या करो, अपने हाथों पे, दोनों हाथों पे अच्छे से लगा लो, अपने फेस पे लगा लो. उसके बाद 10-15 मिनट छोड़ने के बाद आप जाके अच्छे से नहा सकते हो. फिर मैं भी हाथों पे नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ फेस पे लगा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी नहा चुकी हूँ. लग रहा है मेरी शादी हो रही है, हल्दी लग रही है जो मैं खुद ही लगा रही फेस अब अच्छे से वॉश कर लिया है. कैन यू सी दैट इंस्टेंट ग्लो, मतलब आई जस्ट लव दिस होम रेमेडी. बस मेरे पास अभी कर्ड होता तो पूरा एग्जैक्ट परफेक्ट होम रेमेडी हो जाता जो मैं हमेशा करती हूँ. और नहीं, मैंने अभी बीच में छोड़ दिया था लॉकडाउन के टाइम पे ना, मैं इसको डेली लगाती थी फेस पे, डेली नहीं तो एक एक दिन बीच करके आप लगा सकते हो एंड यू विल सी द चेंज विद इन 2 वीक्स कि आपका फेस इतना ग्लोइंग हो जाएगा ना और इतना अच्छा लगता है आपको. दैट वॉज इट फॉर माई स्किन केयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट. प्लीज डू ट्राई दिस रेमेडी
घर पे, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है ना जो आपके घर में अवेलेबल होगी ही होगी हमेशा, तो आप ये हमेशा लगा सकते हो, एक एक दिन बीच करके आप लगा सकते हो. एंड यू हैव टू कीप इट फॉर 15 मिनट्स मैक्सिमम, आप 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगेन क्या पता से कुछ हो जाए स्किन पे ना, ज्यादा देर नहीं रखना. 15 मिनट जब पूरा अच्छे से सूख जाए ना, आपको फील हो कि पूरा सूख गया, अच्छे से टाइट हो गया. वॉश करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब अच्छे से ना उसको लगाना, मतलब हटाना पड़ता है. वन मोर थिंग वो लाइक टू इन्फॉर्म यू, जब आप उसको वॉश करते हो ना, ऐसे नहीं कि आप बस जाओ डायरेक्टली पानी से लगे से वॉश कर दो, अच्छे से उसको थोड़ी देर तक ऐसे मसाज कर करके तब उसको वॉश करो, एंड यू विल फील दैट चेंज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक.